हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं कि गॉड तब तक कोई चैलेंज हमें नहीं देता जब तक उसको झेलने की या उससे लड़ने की शक्ति हमारे अंदर पैदा ना कर दे। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्पेशल होता है। हम अपनी सारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द बसाने लगते हैं, अपने सपनों में उसको सजाने लगते हैं। लेकिन अचानक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा डाइवोर्स हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है या वो इंसान हमारी लाइफ से बाहर चला जाता है और हमें अचानक ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया बिल्कुल रुक सी गई है। हम आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता। दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप ब्रेकअप के या सेपरेशन के पेन को हील कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि उस पेन को किस तरह से आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करके अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है इस पेन को हील करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें वो कुंजी है जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। इसलिए पूरा वीडियो को देखो ताकि आपको समझ में आए कि आखिर करना क्या है। दोस्तों, जब भी कोई ट्रॉमा या परेशानी हमारे जीवन में आती है तो हमारे अंदर एक खालीपन सा हो जाता है, सूनापन हो जाता है, लोनलीनेस हो जाता है, एक वैक्यूम हो जाता है, एक गड्ढा हो जाता है। दोस्तों, हर वैक्यूम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को भरना चाहती है, लेकिन चूंकि पॉजिटिव चीज़ों से भरना मुश्किल है इसलिए इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि हम किसी गलत आदत के, नशे की आदत के, शराब के, जुए के या फिर एक्सेसिव वीडियो गेम, ऐसी बुरी आदतों के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा इसको हील करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जीवन में आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने सपनों को साकार करना है, आपको अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि आपके स्किल की, आपकी ग्रेटनेस की ज़रूरत है, वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए अब हम वो स्ट्रैटजी जानते हैं जिससे कि हम इनको हील कर सकते हैं। नंबर वन, टेक रिवेंज। दोस्तों, उस इंसान से बदला जरूर लो लेकिन तरीका कुछ अलग होगा। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना पावरफुल बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, इतना एक्सेप्शनल बनाओ कि अगर वो इंसान आपसे लाइफ में कभी टकराए या मिले तो इसे इस बात का अफसोस हो कि ये बंदा मेरी लाइफ में क्यों नहीं है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में खूब मेहनत करो। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये पूछो कि मैं मार्केट को ऐसा क्या दे सकता हूँ जिससे कि मैं इनएविटेबल बन जाऊँ, मुझे कोई एलिमिनेट ना कर पाए। इसके अलावा आप अपनी स्माइल पे काम करिए, सेंस ऑफ ह्यूमर पे काम करिए, आप अपने कॉम्पैशन पे काम करिए, हर उस एरिया पे काम करिए जो कि आपको आपकी लाइफ के गेम में ऊपर ले जाएगी, आगे ले जाएगी। सेकेंड, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, हमारी आँखें सबसे बड़ी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये पूरी दुनिया को देख सकती हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये खुद को नहीं देख पाती। और साइकोलॉजी का रिसर्च ये कहता है कि कोई भी इंसान इसलिए नहीं बदल पाता क्योंकि वो खुद को देख नहीं पाता। जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते उन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते। शायद इसीलिए किसी टेबल के नीचे या पलंग के नीचे बहुत सारा धूल होता है क्योंकि हम उसकी सफाई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उसको देख नहीं पाते। दोस्तों, ये ट्रॉमा, ये पेन आपके लिए एक मिरर की तरह है। वो आपको दिखा रहा है कि अगर आपके अंदर एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, पेन है, चाहे कोई भी नेगेटिव इमोशन है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले पर्सन ने इसे आपके अंदर क्रिएट किया है। ये आपके अंदर पहले से ही मौजूद था, सामने वाले पर्सन ने या इस सिचुएशन ने बस उसे एक्सपोज कर दिया है। और जब ये एक बार एक्सपोज हो गई है तो आपका माइंड इतना पावरफुल है कि कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ लेगा जिसके सहारे कि वो इसको क्लियर कर सके, हील कर सके। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई गुरु आ जाए, हो सकता है आपको कोई मेंटर मिल जाए, कोई ऐसी किताब मिल जाए, कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए, या खुद ही आप कुछ ऐसे तरीके को ढूंढ लें जिससे कि ना सिर्फ अपनी बल्कि बहुत सारे लोगों की भी हेल्प कर पाएं। थर्ड, स्पेस फॉर समथिंग बेटर। दोस्तों, कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ हमारी लाइफ से जाती है तो कोई बड़ी और बेहतर चीज़ के लिए जगह बनती है। अगर जंगल में कोई वृक्ष गिर जाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ उसके बदले में कोई नया, ताज़ा और मजबूत पेड़ आएगा। हमारे बॉडी की कोशिकाएं, जब ओल्ड कोशिकाएं मरती हैं तभी तो नई कोशिकाएं आती हैं और हम मजबूत बनते हैं। इसी तरह से आपकी लाइफ में अगर कुछ गया है तो आप इसको ये समझो कि अगर मैंने एक बस मिस की है, उसका मतलब ये है कि कार आने वाली है। अगर परमेश्वर ने मेरे लिए एक दरवाजे बंद किए हैं, इसका मतलब कि 100 बेहतर दरवाजे अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों,
आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को तभी पहचान पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे जबकि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप अपने अंदर से पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि ट्रॉमा टेम्परेरी है और मैं इसके आगे बढ़ सकता हूँ। और जब आप इस तरह से अलर्ट रहेंगे, अवेक रहेंगे और रिलैक्स्ड रहेंगे, तो उस कंडीशन में बहुत ही जल्दी आप किसी भी ट्रॉमा को, किसी भी प्रॉब्लम को न्यूट्रलाइज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 4 इज क्लीन योर हार्ट। दोस्तों 85% लोगों ने यह माना है कि रिसर्च में, कि अगर उनके फ्रिज में दूध गिर जाए या सब्जी गिर जाए तो पूरे फ्रिज की सफाई करते हैं। उसी तरह से इस ट्रॉमा ने आपके दिल में अगर कोई भी नेगेटिव इमोशन क्रिएट किया है तो इसका मतलब ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पूरे दिल की सफाई करो, हार्ट को क्लीन करो, हार्ट को एलिवेट करो। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रिसर्च ये कहता है कि हमारे हार्ट में भी एक नर्वस सिस्टम है और हमारे हार्ट की जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जब ECG के सहारे मेज़र किया गया तो ये पाया गया कि ब्रेन से 1000 गुना से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब ये कि अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं या हम क्रिएटिव बनना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें हार्ट का सहारा लेना पड़ेगा और अपने हार्ट की कॉन्शियसनेस को जगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप हार्ट की कॉन्शियसनेस के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि हम हार्ट कॉन्शियसनेस और मैनिफेस्टेशन पे वीडियो चाहते हैं। अगर 400 से ज़्यादा कमेंट आए तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों और इसका सबसे आसान तरीका है जो कि मैं यहाँ आपको बताए दे रहा हूँ, वो है फॉरगिवनेस। आप दूसरों को माफ़ करना सीखें, इसलिए नहीं क्योंकि वो माफ़ी के लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको लाइफ के पिच पर अपना बेस्ट गेम खेलना है, आपको कुछ नया क्रिएट करना है, आपको जो लॉस हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। नंबर 5, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। दोस्तों नॉलेज लेना बहुत आसान है लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंसाइट लेना बहुत ही मुश्किल, और ये याद रखना कि इंसाइट ही है जो कि हमारी लाइफ को चेंज करती है। दोस्तों जब भी हम प्रेम में रहते हैं या किसी रिलेशनशिप में होते हैं हमें सिर्फ अच्छा अच्छा दिखता है। हो सकता है कि हमारी लाइफ में 200 चीज़ें गलत हों लेकिन हमें सिर्फ 2-3 अच्छी चीज़ें दिखती हैं और इसी के आधार पे हम अपनी लाइफ को जज कर लेते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑल इज़ वेल। लेकिन दोस्तों इसीलिए कहते हैं फॉलिंग इन लव, मतलब कि प्रेम में गिरना। आपने ये नहीं सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि प्रेम में उठकर खड़ा हो गया, आगे बढ़ गया या फिर ऊपर निकल गया, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि हम एक मैट्रिक्स में हैं, हमारे चारों तरफ स्क्रीन है और अच्छी अच्छी तस्वीरें चल रही हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये ट्रॉमा, ये सिचुएशन आपके लिए आंखें खोलने वाला एक संदेश है। यहाँ आपने मैट्रिक्स से अपने आप को डिटैच कर लिया है, सारे स्क्रीन ऑफ हो गए हैं और अब आप रियलिटी को फेस कर सकते हो। इस सिचुएशन में आप खुद से ये पूछो कि इस सिचुएशन ने मुझे क्या सिखाया, मैंने क्या सीखा, ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो मैंने की, और आज जो अनुभव और एक्सपीरियंस मेरे पास है उसके सहारे में कौन से ऐसे नए चॉइसेस या एक्शंस होंगे जो कि अपनी लाइफ में लूँगा। एंड सेकंड, अगर ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस मेरे पास है तो कौन से ऐसे चॉइसेस होंगे पास्ट के जिसको कि मैंने लिया और अब मैं नहीं लूँगा। दोस्तों जब आप इस तरह के क्वेश्चन पे विचार करेंगे तो आप एक डीप एक्शन लेंगे, एक मोटिवेटेड एक्शन लेंगे और ये एक्शन आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और उसी समय ये ट्रॉमा, ये पेन जो कि आपकी लाइफ में आया था वो आपका टीचर बन जाएगा, वो आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएगा, कुछ सिखा के जाएगा। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो आती जाती रहेंगी लेकिन आपकी लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन में अगर एक मिस्टेक हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइफ ही एक मिस्टेक है। लाइफ का मतलब ये है कि जो भी छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ें हुई उनको छोड़ो और आगे बढ़ना सीखो। इस बात को हमेशा याद रखना कि दिस इज़ अ स्टेशन एंड नॉट द डेस्टिनेशन। ये आपकी लाइफ का एक स्टेशन है और स्टेशन पास करते हैं, ये आपकी लाइफ की मंजिल नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हर वीडियो को बनाने में मुझे कम से कम 48 घंटे लगते हैं और काफ़ी डीप रिसर्च करनी पड़ती है। दोस्तों मेरा मकसद ये है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के मैं ऐसे टूल्स आपके सामने लाऊँ जिसके सहारे कि आप लाइफ की पिच पर अपना बेस्ट गेम खेलें। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये अपनी तरह का एक अनोखा चैनल है जिसमें कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ब्लेंड और राइट नॉलेज आपको पेश की जाती है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस मिशन में मेरे साथ जुड़ें। आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।